आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा लैक्टिक अम्ल का ऑक्सीकरण देता है, टार्ट्रिक अम्ल, पाइरुविक अम्ल, सिनेमिक अम्ल या प्रोपियोनिक अम्ल। तो अगर हम यहाँ पे देखें, रिएक्शन कहाँ हो रहा है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा लैक्टिक एसिड। तो पहले हम लोग को लैक्टिक अम्ल को बनाना होगा। लैक्टिक अम्ल कैसा रहता है, CH3CHOH और यहाँ से COOH, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, इसका ऑक्सीकरण होता है, वो भी किसके प्रेजेंस में, ये KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या करता है, रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये CH3 यहाँ पर जो H होता है और ये H होता है, तो ये H और ये H होता है, ये क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। और जब दो यहाँ ऑक्सीजन के साथ जो ये H है ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है और ये कार्बन के साथ जो H है वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो जब दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बदले में एक पाई बॉन्ड निकलता है। और पाई बॉन्ड कहाँ आता है, जहां कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन का एक सिग्मा बॉन्ड टूटा है, तो उसी दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाता है और ये COOH, ठीक है। तो इस ये क्या है, इसी को बोलते हैं पाइरुविक अम्ल। क्या बोला जाता है, पाइरुविक अम्ल। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।